बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में षष्ठा पटला अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बारे में बताया था और इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था एकवचन। आज मैं आपको इस पाठ का द्विवचन बताऊंगी कि कैसे इसको लिखा जाता है, इसको कैसे प्रयोग किया जाता है, इसको कैसे बोला जाता है। अकारांत स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति की द्विवचन में मूल शब्द के साथ लगा आकारांत आ ए के रूप में प्रयोग किया जाता है। बच्चों, जो अकारांत स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति को जब हम द्विवचन में के मूल शब्द में लिखते हैं तो उसके साथ हमें आ की जगह ए का प्रयोग किया जाता है, उसको ए के रूप में लिखेंगे। जब हमें द्विवचन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आगे देखिए। इसको ये है लता, तो इसको द्विवचन में लिखेंगे लते। ये है मूषिका, इसको द्विवचन में लिखेंगे मूषिके। ये है नासिका, इसको द्विवचन में लिखेंगे नासिके। ये है अजय, ये है आसंदिके। और माले, सारिके, जिव्वे, नौके। बच्चे, द्विवचन में जितने भी यहाँ पे शब्द हैं उसमें हमने ए का प्रयोग किया है। जब हम द्विवचन में ए की मात्रा लगा देंगे तो यह द्विवचन के रूप में लिखा जाएगा और बोला जाएगा। बच्चों, आप इस द्विवचन को आप पढ़िएगा और लिख कर इसका प्रयास करिएगा, इसमें कि आपको ये समझ में आए। मैं इसके आगे आपको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी कि बहुवचन क्या है। तब तक आप इसको एक वचन और द्विवचन का लिखने का अच्छे से अभ्यास करिएगा। थैंक यू।